सब्जेक्टिव शीट नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 4 में डाउट, 3rd में डाउट, 3rd में हॉरिजॉन्टल टेलीफोन वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग इज लाइंग ईस्ट वेस्ट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हमने किया था जब भी कोई रॉड नीचे गिरती है तो कौन से कॉम्पोनेंट को कट करती है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या लगेगा बी एल वी में, बी क्या लगेगा हॉरिजॉन्टल, और नीचे गिरने के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs करके। रॉड वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था ना, तो वी निकाल लो काइनेमेटिक से, फिर बी एल वी लगा लेना, लेकिन बी हॉरिजॉन्टल लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 में हॉरिजॉन्टल वायर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉल्स इन अ फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी गिवन, कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। ये वही सेम चीज़ है, अगर रॉड नीचे गिर रही है फिर से एक बार, तो फिर से बी एल वी, और बी में इसमें बी की वैल्यू कितनी गिवन है, फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, इसमें कुछ नहीं है बस बी गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, बी एल वी का फॉर्मूला आंसर। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के वी निकाल लेना, बी एल वी से आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल जाता है, प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो कौन से कॉम्पोनेंट को कट करता हुआ जा रहा है, वर्टिकल। तो जब आप बी एल वी लगाएंगे तो बी कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल, बी एल वी में बी वर्टिकल, तो बी एल वी लगा लेना, बी इसमें यूज करना वर्टिकल। अब इसमें आपको गिवन क्या है, आपको इसमें गिवन है टोटल बी की वैल्यू गिवन है और एंगल ऑफ डिप भी गिवन है, तो टोटल बी गिवन है एंगल ऑफ डिप गिवन है, तो हमें मालूम है कि टोटल अगर बी पता है, टोटल बी पता है एंगल ऑफ डिप पता है, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो होता है वो क्या होता है, बी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो बी पता है डेल्टा पता है, यहां से वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएगा, फिर बी एल बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में करना चाहता हूं, 7th के अंदर वो कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जिसकी लेंथ पता है, एरोप्लेन लिफ्ट्स इटसेल्फ, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, एरोप्लेन वर्टिकल जा रहा है। तो जब एरोप्लेन वर्टिकल जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट को कट करेगा, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल जाएगा तो वर्टिकल, वर्टिकल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल। तो बी एल वी यहाँ लगेगा, लेकिन बी एल वी में जो ई एम एफ की वैल्यू है, जो ई एम एफ की वैल्यू है उसमें बी एल वी लगेगा, लेकिन बी इसमें क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये देखना पड़ेगा कि प्लेन कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो वर्टिकल, वर्टिकल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल। अब आपको गिवन क्या है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, गिवन है, और एंगल ऑफ डिप गिवन है। उसने जान के आपको क्या दिया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट दिया और डेल्टा दिया। तो सबसे पहले आप वर्टिकल कॉम्पोनेंट में इस फॉर्मूले को लगा के डेल्टा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट से क्या निकाल लेंगे, बी। एक बार बी आ गया तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में क्या पुट करेंगे, बी इंटू कॉस ऑफ कितना, डेल्टा। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करके ई एम एफ आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आज के टेस्ट में भी है, कल के टेस्ट में भी है, आज के टेस्ट में तो पक्का ही है। मैंने आपको स्पेशल व्हाट्सएप पे भी लिखा था कि तैयारी करके आना मोशनल ई एम एफ की, जब रॉड को हम खींचते हैं तो प्रूफ ऑफ बी एल वी, बी एल वी करंट क्या होगा, बी एल वी बाई आर, फिर उसके बाद फोर्स क्या होगी, बी आई एल, बी आई एल करके बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और उसके बाद पावर आई स्क्वायर आर करके बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, याद रखना। ठीक है, डेरिवेशन है ये, 9th में डाउट, सेम है 9th, वैसे वो डेरिवेशन है ये, वैल्यूज के साथ है सेम चीज़ बी एल वी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में एक व्हील है, तो ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है, ये जो व्हील है ये व्हील के स्पोक्स हैं, तो ये वर्टिकल ऐसे घूम रहा है। जब ये व्हील वर्टिकल घूम रहा है तो कौन से कॉम्पोनेंट वो कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल। जो चीज़ वर्टिकल जा रही है वो हॉरिजॉन्टल कट करेगी। सोचो व्हील वर्टिकल जा रहा है, इस प्लेन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल को कट करता हुआ जा रहा है। तो मोशनल ईएमएफ इस सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में क्या होगी, सेंटर और कॉर्नर के बीच में फॉर्मूला क्या लगेगा, बी एल वी का फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, बी एल वी का नहीं, ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है
और रोटेट किसके साथ कर रही है? विद ओमेगा। तो मान लो ये एल लेंथ है इसकी, हाफ बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो ये फॉर्मूला लगता है। अब क्योंकि ये और ये इसके बीच में ईएमएफ आप कैलकुलेट कर लेना, अगले स्पोक में भी यही वैल्यू आएगी, अगले में भी यही आएगी। बेसिकली सारे स्पोक्स पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि ये कॉमन सेंटर है और रिम के ऊपर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं सारे, मेटल का रिम है, तो वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो जो काम इसमें होगा वो काम इसमें, वो काम इसमें, तो हर स्पोक का आंसर सेम है और टोटल आंसर भी ईएमएफ का एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यही आंसर है इसका, 120 स्पोक्स हो, 80 स्पोक्स हो या एक स्पोक हो, आंसर एक है। ठीक, तो इसमें सर इसमें आपने हॉरिजॉन्टल क्यों कंपोनेंट में लिया है? क्योंकि वर्टिकल व्हील घूम रहे हैं ना, जब व्हील वर्टिकल घूमेगा ऐसे तो हॉरिजॉन्टल को कट करता हुआ जाएगा ना ऐसे। ओके सर। ठीक है, तो इसके अंदर स्पीड ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आरपीएस आएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकाल लेना। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.4 गॉस, टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना, एंगल ऑफ डिप गिवन है, तो आपको इसका मतलब बी गिवन है, आपको एंगल ऑफ डिप गिवन है, तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर आप यहाँ पर जो पुट करेंगे वो बी नहीं पुट करेंगे, बी हॉरिजॉन्टल पुट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले में बी नहीं पुट करेंगे, बी हॉरिजॉन्टल पुट करेंगे। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो स्पोक्स वाले क्वेश्चन में आपको भी हॉरिजॉन्टल पुट करना है, राइट? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये फैन का ब्लेड है, हम सोचते हैं पंखा ऐसा होगा, तीन वाला चार वाला, नहीं ये ऐसा पंखा है, इसकी लेंथ 2a है, बस यही पंखा है। तो ये जब घूमता है 2a वाला, तो इसका सेंटर एक्सिस ये होगा, तो रेडियस इसका a होगा, ये ऐसे घूमता है। बताया नहीं उसने, बट इसका सोल्यूशन ऐसे ही बनता है, हर बुक ऐसे ही सॉल्व करती है। तो अगर ये 2a है तो आधा आधा a और a है। विद फ्रीक्वेंसी f परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड एंड ऑफ द ब्लेड। सेंटर और एंड ऑफ ब्लेड में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करना कुछ नहीं है इसमें। डी फाइव बाई डी टी, फाइव बी इंटू ए, बी बाहर आ गया, डी ए बाई डी टी, एरिया स्वेप्ट कितने, पाई ए स्क्वायर और अपॉन टाइम, एक चक्कर में टाइम, जो एरिया स्वेप्ट है पाई ए स्क्वायर, वो एक चक्कर टाइम में है, तो वन बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आंसर। तो आंसर आ गया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th बिल्कुल सेम है, सेम है, वही भी सीलिंग फैन ही रोटेट कर रहा है और रेडियस सेम, आंसर भी सेम है। 13th डिस्क का क्वेश्चन है, डिस्क घूमे या रॉड घूमे या स्पोक्स घूमे, आंसर एग्जैक्टली क्या होता है सबका, सेम, आंसर में चेंज ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 14th में डाउट, 14th में वही स्पोक्स वाली प्रॉब्लम है। स्पोक्स वाली प्रॉब्लम सुनते ही मेरे को ख्याल यही आता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और बी कौन सा, हॉरिजॉन्टल। स्पोक्स वाले जब व्हील घूमता है तो भी हॉरिजॉन्टल। अब आपको इस क्वेश्चन में 15 मेटालिक स्पोक्स हैं, आपको इसमें लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से पर सेकंड करके ओमेगा निकाल लेना, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है, और क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें आपको ई गिवन है, बी एच निकालना है, लेंथ पता है, ओमेगा पता है, आंसर फॉर्मूला सेम है। तो जब स्पोक्स वाली प्रॉब्लम आएगी उसमें ईएमएफ के अंदर भी हॉरिजॉन्टल पुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?